जल्दी जल्दी, तो गांधी जी को समझाने के लिए 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ जिसे हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी समझौता को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। सरोजिनी नायडू ने गांधी को और अंबेडकर को दोनों को संयुक्त रूप से दो महात्मा कहकर बुलाया है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं और दो महात्मा कहकर क्या किया है, बुलाया है। इसी बीच में महात्मा गांधी से इरविन ने कहा कि देख भैया, हम तोरा से हाथ जोड़ते हैं गांधी, ये आंदोलन खत्म कर और सीधे सीधे तू लंदन चल जाओ। राजा का बात मानना चाहे मत मानना, एक बार प्लीज यहां से चले जाओ, अगर चले जाओगे तो हमारी नौकरी बच जाएगी। यही महात्मा गांधी के जीवन की सबसे बड़ी भूल है। यहीं पे महात्मा गांधी इरविन से नहीं कर पाए, क्योंकि यही वो व्यक्ति से जब भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा था, तो महात्मा गांधी ने शर्त रखा, शर्त ये रखा कि जितने भी अपराधी जेल में है, अगर आप उन्हें छोड़िएगा तभी हम भाग लेने जाएंगे। को चाल चल दिया, उसने कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं हम सबको रिहा कर देंगे। तो राजनीतिक कैदी उसे कहा जाता है जो आंदोलन में गया है, जबकि भगत सिंह को तो बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया था, उन पर आपराधिक मुकदमा था। तो ये कहे कि आप जितने भी कैदियों को छोड़ना है छोड़े, तो ये इरविनवा तो चाल चल दिया, उसने कह दिया ठीक है मैं सारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ देगा। अब ये लंदन भाग लेने चल गए, तब पता चला कि रे भाई साहब उन पे तो राजनीतिक मुकदमे नहीं था, लेकिन यहां महात्मा गांधी से गलती हुई थी। तो कहना चाहिए था कि आप भगत सिंह को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ समझिए दो बातें जो आपको आपको ये समझने में गलत हो सकता है। पहला कि भगत सिंह ने जो बम फेंका था उससे किसी की जान नहीं गई थी, कोई व्यक्ति मरा नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी खुद वकील होकर ये कॉन्फिडेंस थे कि इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। वो एक राजनीतिक रूप से विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि हम लोग गुलाम थे तो भाड़ में गया गुलामी में, नियम कानून जो सरकार चाहेगी वही चाहेगी। पर महात्मा गांधी तो अपने हिसाब से सही कहे थे कि भैया जितने राजनीतिक अपराधी हैं, अगर आपके मन में एक सवाल आएगा कि महात्मा गांधी को तो कहना चाहिए जितने भी कैदी हैं सबको रिहा कीजिए, तो भाई उस समय भी रेप होते थे, तो उस समय भी मर्डर होते थे और सच में अपराधी थे, तो सबके सब छूट जाएंगे। तो महात्मा गांधी का भी तो प्रस्ताव एक तरह से सही था कि जितने राजनीतिक कैदी हैं जो देश की स्वतंत्रता की मांग करें उन्हें छोड़िए, लेकिन ये हरामी के बच्चे अंग्रेजों ने कानून में फेरबदल, मतलब उनका अपना कानून था, उन्होंने कहा कि नहीं भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं है, इनको भेज दिए सब कहां पर, लंदन में चल गए भाग लेने के लिए लंदन में, वहां पर वहां जाके दूसरे बवाल हो गया। पहला ये तो हो गया महात्मा गांधी की, लेकिन महात्मा गांधी ने एक और पहली गलती ये हो गई कि महात्मा गांधी समझ नहीं पाए कि अंग्रेज ऐसा छूट मतलब गलती करेगा। दूसरा कि महात्मा गांधी लाख चिल्ला लेते सब या कुछ भी कर लेते, अगर अंग्रेज चाह देते सब कि हमको किसी को फांसी देना है तो दे देते सब, आपके बहस से कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि जज तो वही थे और अल्टीमेट फैसला उनको देना था, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप अगर इसका एग्जांपल देना चाहेंगे तो खुद 1942 में महात्मा गांधी की हत्या का प्लान अंग्रेजों ने कर दिया था। महात्मा गांधी जब आमरण अनशन पे बैठे थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, तो अंग्रेजों ने स्पष्ट कर दिया था इस बार हम आपको नहीं देंगे खाना पीना, और महात्मा गांधी को 14 दिन तक खाना पीना नहीं पूछा था, बेचारा अपने से खाना खाए थे, जान रहे थे कि हमरे टपका देगा भगत सिंह के साथ। लेकिन कुछ भी कहिए, जब भी इतिहास लिखा जाएगा महात्मा गांधी का ये बात काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि आप लंदन से पढ़ के आए, वकील बन के आए, बैरिस्टर बन के आए, आपका यही काम था कि सरकार कैसे कानून का खिलवाड़ करेगी, जब आप नहीं समझ पाए तो एक आम आदमी क्या समझेगा इस देश को। तो कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी की गलती थी। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं महात्मा गांधी 100% निर्दोष थे, तो ये गलत है। यहां 50% जिम्मेदार अंग्रेज थे और 50% जिम्मेदार महात्मा गांधी था। लेकिन महात्मा गांधी को भी ये नहीं पता था कि जो भगत सिंह जो बम फेंके हैं वो खाली कुर्सियों पर फेंके थे और खुद अपनी गिरफ्तारी दिए थे कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए इनकलाब जिंदाबाद बोलकर। तो महात्मा गांधी खुद एक वकील थे, जैसे मान के चलिए हम और आप वकील नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो जानते हैं कि हम कहीं बम फेंक देंगे और अगर किसी की मौत नहीं होगी तो फांसी की सजा नहीं होने वाली। जैसे हम एक और आप एक अमूमन यही जानते हैं, फांसी तभी होता है जब हम किसी की जान ले लें, हम किसी को गोली मारे अगर बच भी गया तब भी फांसी नहीं होगा हमको, क्योंकि फांसी के लिए एक बहुत बड़ा क्राइम होना चाहिए। तो गांधी जी को यह समझने में भूल हो गई कि भैया ये, लेकिन भूल हो गई किस काम के आप वकील थे यहाँ पर, लेकिन इतिहास तो आपकी भूल को माफ करने के लिए नहीं बैठा, आपकी भूल को भूल करके इतिहास दोहराते रहेगा। और यहाँ जब जब आएगा, जब भी भगत सिंह को प्यार करने वाले इस देश में रहेंगे, तब तक गांधी को यहाँ पर केवल इस गलती के लिए गाली सुनना ही पड़ेगा। हम महात्मा गांधी के केवल ये देखिए, हम हो या दुनिया का कोई हो, महात्मा गांधी का यही गलती था जीवन का, बाकी कोई गलती नहीं था महात्मा गांधी का, ये बड़ी गलती। बाकी जीवन में इंसान है तो गलती करेगा ही करेगा। तो आप समझ में आ रहा है यहाँ पर गांधी इरविन समझौता क्या था।